स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः की कुछ विधि शेष रह गई। अगर आप बीच में उठकर जाएंगे तो शतनान भगवान का अपमान होगा। से गलती हो गई, मुझे तुझे नहीं भेजना चाहिए था चेक लाने के लिए। मुझे क्या पता था कि अर्चना इस मौके का फायदा उठाएगी। अरे उसने तो सबके सामने बता दिया कि उसने मन्नत मांगी थी, तो क्या कर, चुप बैठ गए। अर्चना ने वाकई में ये कहा है? हाँ बेटा,
अगर चार लोगों के सामने मैं कुछ बोलती तो तमाशा खड़ा हो जाता और लोग मुझे ही दोषी बोलते, है ना? लेकिन मानव तो मेरा इंतजार कर सकते थे ना, वो क्यों करते अर्चना के साथ? अरे बेटा मेरी बात सुन, मेरा मानव बेचारा मजबूर था, क्या करेगा, और पूजा भी सही टाइम पे होनी चाहिए थी, और घर में उसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था, फिर क्या करते, उसको बिठाते। मानव मेरे लिए अब सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और अगर उनको लेकर कुछ होता है तो मैं... नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुन, आओ 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 मैं तुझे बताती, आओ बैठ, गुस्सा मत कर, दुखी हो मत, बैठ, शाबाश। मानव तेरा होने वाला पति है, होने वाले सारे रस्मों रिवाज में तेरा होना जरूरी है, और हमेशा रस्मों रिवाज होते समय तू ही उसके साथ रहेगी। ये सब तो आज से चालू होना चाहिए था, लेकिन मेरी मति मारी गई जो मैंने तुझे भेजा चेक लाने के लिए। वैसे तू चेक लाई है ना बेटा? ये कागज क्या है, चेक है? नहीं नहीं तेरे पास रख, तेरे पास रख, मुझे नहीं कोई पैसे से लगाव नहीं है बेटा। तुझे डर लगता है? डर लगता है? देख फिर मैं रख देती हूँ, हाँ मैं रख देती हूँ। छोड़ ना इन सब बातों को, क्यों ध्यान देती है तू? अरे एक बार वो अर्चना पूजा में क्या बैठी, वो क्या जिंदगी भर मानव के साथ रहने वाली है? बोल ना, रहने वाली है क्या? नहीं ना, रहने वाली मेरी श्रावणी है। मैं रख के आऊ, आती हूँ। हाँ अच्छू बिना दूसरों का भला करने की सोचेगी और अपना नुकसान करवाएगी। सुलोचना अब क्या जरूरत है उसको मन्नत मांगने की? नया झगड़ा मोल लिया ना उसने। देखो उसने जो कुछ भी किया है वो दामोदर जी की सलामती के लिए किया है। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले उसने सोचना चाहिए था। अगर मन्नत मांगनी थी ना तो ऐसी मांगनी चाहिए थी कि जो वो अकेले पूरा कर सकती थी। सारे पूरे पूरे परिवार को शामिल करने की क्या जरूरत थी? ये बात उसके दिमाग में नहीं आई होगी, उस वक्त उसे जो सही लगा वो उसने किया। उसे जो लगा वो सही नहीं था। आपने देखा नहीं कि सविता जी मन्नत की बात को लेकर कितना कितना नाराज थी? पता नहीं वो वहाँ क्या बखेड़ा खड़ा कर देगी। आइए ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके घर में सब लोग जानते हैं कि ताई ने जो भी किया उसका इंटेंशन गलत नहीं था। जानना अलग है मानना अलग है, और आज तक कभी सविता जी ने अर्चना की अच्छाई को माना है जो आज मानेगी? अभी मेहमानों के सामने तो वो चुप थी, मेहमान जाने के बाद पता नहीं उनका कितना गुस्सा फूटने वाला है अर्चना पर। आई आई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप मत चिंता कीजिए। अरे वो सविता जी हमारे अच्छू को कुछ नहीं कहेगी। अब कितने दिन है वो वहाँ पर? गिने चुने 1.5 महीने, उसके बाद तो वो यहीं वापस आने वाली है। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इतनी चिंता हो रही है ना, पता नहीं मानव के घर सत्यनारायण की महापूजा को लेकर क्या होने वाला है। मैं और अर्चना बिल्कुल मानो, आप मेरा इंतजार तो कर सकते थे ना, और अगर इतनी देर हो रही थी तो मुझे एक फोन कर लेते।
मैं किसी भी तरह यहाँ समय पर पहुँच जाऊँ। एक कोशिश तो कर सकते थे ना, लेकिन आपने वो भी जरूरी नहीं समझा। नहीं श्रावणी, इसमें मानव की कोई गलती नहीं। श्रावणी, मन्नत रखी गई थी और मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए पंडित जी ने कहा कि अगर मुहूर्त निकल गया तो ये पूजा नहीं हो पाएगी। गलती मेरी है, ना मैं ये मन्नत रखती और ना ये सब होता। लेकिन विश्वास करो श्रावणी, हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मानव से हो, तुम्हारी जिंदगी सवरे, तुम्हारे होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिले। यकीन मानो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। अर्चना ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हम दोनों मजबूर थे। और एक बात कहना चाहता, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं हो तो उस रिश्ते का क्या अंजाम होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि तुम ये गलती ना करो। महागाई महागाई म्हणता बाबा। अरे चहा बेटा। धन्यवाद। तुझे मालूम है ना मुझे तेरे चेहरे से कितना प्यार है, फिर बार बार ये थोबड़ा लेके मेरे सामने क्यों आती है तू? आई वो वर्षा का साखर पोड़ा है तो मैं वहां
घर पे एक दिन के लिए जाना चाहती थी, अगर आपकी इजाजत हो। ये इजाजत वगैरह मांगने का नाटक मेरे से मत कर। तू कौन लगती है मेरी? कौन लगती है? तुझे चाहिए तो जा, वरना ऐसे ही रह। तेरी सगी जो बहन है, जा, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। और देख, ये साकर पूरा 2 महीने तक चलता रहे, ताकि तुझे यहाँ आने की नौबत ही नहीं। महारानी, किस मोहरत की राह देख रही है तू? जा जा, जल्दी जा, थोड़े दिन के लिए मेरे दिमाग को ठंडक तो मिल जाएगी। जा। अर्चना, रुक रुक जरा, मानो जरा 100 रुपए दे ना, वो वर्षा का साखर पुड़ा है ना, उसको आहेर देना है। 1 रुपया। अर्चना, ये ले बेटा, वर्षा के लिए आहेर हमारी तरफ से। और वर्षा को कह देना कि मैंने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। मेहमानों के सामने इधर उधर भागना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अरे पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा था, और ऐन वक्त पर मुझे और वैशाली को मार्केट में भागना पड़ा था, याद है ना? अर्चना की सगाई में। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? बस उम्र से बढ़ गई हो, लेकिन समझ बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लास्टिक की थैली में डालो और आराम से उसमें रखो, समझे? और वर्षु, इसको तो मैं सिखा लूंगी, लेकिन महीने भर में तू शादी करके ससुराल जाएगी। अगर वहां भी ऐसा ही काम करेगी तो उद्धार हो जाएगा मेरा। एक बार अर्चु आए ना तो उस पर सारा काम सौंप कर मैं। अरे अर्चु आ गई, 100 साल उम्र है तेरी, मितेज होना तो ते। अच्छा मुझे बता कि उस दिन सत्यनारायण की पूजा के बाद वहाँ कुछ महाभारत तो नहीं हुआ ना? नहीं आई। मेरा मतलब है सरिता ताई ने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं आई, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है वहाँ पर। लेकिन तुझे क्या जरूरत थी ऐसे मन्नत मांगने की? तू पढ़ना, चल छोड़। आ, अब तू आ गई है ना, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। ये सगाई की सारी तैयारियां अब तुझे करनी है, समझे ना? देख ना घर कितना। अगो भाई मंजू, पता नहीं कैसे लेकिन तुम्हारी आई को बुलाना मैं भूल ही गई, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं आई, मैं फोन कर दूंगी उसे, आ जाएगी वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? रसिका ताई हमारी समधन है, उनका भी तो मान है ना, मैं खुद जाऊंगी उन्हें न्योता देने के लिए, ठीक है ना? अच्छा हुआ अर्चु तू आ गई, अब मैं बाहर के काम आराम से संभालूंगी। आई तू तो ऐसे बोल रही जैसे अर्चु ताई नहीं थी तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता था। हाँ वैसे भी हम काम कुछ करते, हमें तो कोई काम आता ही नहीं है। अरे मैंने ऐसे कब कहा, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम दोनों में समझदारी है, बस सुबह उठते वक्त तुम तकिए के नीचे डालकर उठती हो, इतना ही कहा मैंने। अब तुझे लेट नहीं हो रहा है? अगर भाई विसर लेस मी बोलण्याच्या नादात राहूनच गेलं। अहो चला निघते मी। अर्जुन सांभाळशील ना सगळं?
वर्षा को क्या हुआ? ताई, वो इस रिश्ते से खुश नहीं, सिर्फ आई पापा की खुशी के लिए शादी कर रही है।